प्रॉपर साइन करती है, तो इसमें भी कुछ हैकर नहीं होगा। अगर उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बातें आप देखें, वो कहते हैं कि खान साहब ने कहा है करप्शन फ्री, तो 8 महीने हो गए और 8 महीने में अभी उसके लिए कमेटी बना रहे हैं कि करप्शन के सबूत कौन देगा कौन नहीं देगा। करप्शन के सबूत तो मैंने दाखिल 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आपको दे दिए थे कि सेक्रेटरी ऑफिस रिलीज पे 15% ले रहा है, ये करप्शन के सबूत है ना। और क्या सबूत चाहिए? दूसरे सबूत ये है कि सेक्रेटरी साहब को हटा दिए गए, ये बीच का सबूत है, मुंह बोलता सबूत है। और मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि सूबे के वजीर आला को पता ही नहीं है करप्शन का और नीचे उसका सेक्रेटरी करप्शन कर रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक अजीब जैसे ये लतीफा है आज का, आज से कहें 2024 का ये लतीफा है कि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, मिनिस्टर बैठा हुआ है और सेक्रेटरी करप्शन कर रहे हैं। और ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की, ये इससे पहले एक वजीर को जो है नाएली की वजह से दरख्तों की कटाई पे सुनामी के जो प्लान था उसका बेड़ा कर करके वहाँ से हटा दिया गया और उसको लाइफ स्टॉक का महकमा दे दिया गया, जबकि उसका अपना कारोबार जो है वो मीट शॉप का है। अब लाइफ स्टॉक के साथ वो क्या करेगा, इसका भी अल्लाह ही हाफिज है। और शकील साहब कहते हैं कि हम खान साहब के मशवरों पे मंसूर पे अमल कर रहे हैं, मंसूर ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ कि जो हालात CNW डिपार्टमेंट के हैं वही हालात अब इरीगेशन डिपार्टमेंट की भी हैं, और इरीगेशन डिपार्टमेंट में जिस फोकल पर्सन को लगाए गए वो भी सूबाई असम्बली के एक मुलाजिम है, उसको उठा के इरीगेशन का महकमा हवाले किया गया, वो उसके लुकाउटर कर रहे हैं। यानी मिनिस्टर होने के बावजूद इख्तियार सूबाई असम्बली के एक मुलाजिम के पास है। जो हाल CNW डिपार्टमेंट में करता वही हाल अब इरीगेशन डिपार्टमेंट का भी है, वहाँ भी यही सौदे चल रहे हैं। ये कहते हैं हमें पता नहीं है, सब कुछ वजीर आला की मुशावरत से हो रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। अब ये पानी का असरअंदाज होने के लिए जो आप एंटीकरप्शन को वहाँ से हटा दीजिए डायरेक्टर को, और उसको भी किसी और महकमे में लगा दीजिए, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हेल्थ के ऊपर भी ये असरअंदाज हो रहे हैं कि जो हेल्थ का बड़ा स्कैम है और उसके ऊपर भी किसी तरीके से झाड़ू फेंक दिया जाए। इसके साथ साथ अभी हमने जो ये ज़मीनें बेच रहे थे यूनिवर्सिटीज की, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर कर दी है, और हम किसी भी सूरत में इन ज़मीनों को बेचने के लिए सूबाई हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे है कि इनका मंशूर ये था कि हम तालीम पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, ये तालीम पे सबसे ज़्यादा इस सूबे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 11 साल दौर इक्तदार में आप स्कूलों की हालत देख लें, आप कॉलेजेस की हालत देख लें, आप यूनिवर्सिटी की हालत देख लें, आप कोई ऐसा महकमा बता दें कि जो सही तरीके से इस वक्त चल रहा हो, कोई एक महकमा ऐसे बता दें। अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो गाड़ियां पकड़ी गई थी वो भी रूल्स के खिलाफ, MPS को रिश्वत के तौर पर दी जा रही है। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये गैर कानूनी काम ना करें, नहीं तो हमें इसके ऊपर भी हाईकोर्ट पे जाना पड़ेगा, ताकि ये गाड़ियां या तो नीलाम होनी चाहिए या जो उनके डिपार्टमेंट में जो रूल्स हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट को चाहिए वो डिपार्टमेंट उसको यूज करें। ये काम का तरीका है कि आप MPS को एक गाड़ी 75 गाड़ियाँ गिफ्ट कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों का बेदरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों के नोटिस में ये भी लाना चाहता हूँ, बिलियन ट्री पे तो आप लोगों को वैसे ही पता है हेल्थ का भी ये बेड़ा गर्क है। दूसरे उस दिन वो एक और खबर चल रही थी कि जो एम्बुलेंसेज आई थी 14, जो 4 हेल्थ के पास थी, 10 112 को दी गई थी, उसकी सीटें भी इन्होंने बेच दी बगैर अप्रूवल की। करोड़ रुपए की सीटें 3 लाख रुपए में बेची है, यानी इस लेवल तक करप्शन आ गई है, इससे नीचे लेवल करप्शन का और क्या हो सकता है। तो इसलिए गुजारिशात आज आपके साथ करनी थी कि मेहरबानी करके आप लोग भी थोड़ी सी निशानदेही किया करें, ये सूबा हमारा है, ये सूबा हम सब का है, इस सूबे में हमने रहना है, इस सूबे की हिफाजत हमने करनी है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी देख लें, पिछले 1 हफ्ते में टांग में जजेस के ऊपर फायरिंग हुई है, यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियों पर फायरिंग हुई है, 25 मुसल्ला अफराद ने बैंक गाड़ी लूट ली है,
पिछली दफा भी मैंने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन ग्रेटर मैं उत्साह साहब कह रही है।